आप सबको स्वागत है। हम 26वें किशोर वेतन में पहुंचे हैं। हम अपना समय बहुत व्यर्थ गवाते हैं मेरे तेरे में, और परमात्मा चाहते हैं कि ये जो समय चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा ट्रांजिशन का समय चल रहा है, जो कि आपको भी दिख रहा होगा आज न्यूज़ में सुनते हुए कि सारी दुनिया में उथल है, सारी दुनिया में हलचल है, सारी दुनिया में कहीं भी किसकी बनती नहीं, किसी देश की दूसरे देश से नहीं बनती है। देश आपस में बट रहे हैं और एक यूनियंस बन रही हैं आपस में लड़ने के लिए, और तैयारियां हो रही हैं, धर्मों के भी आपस में नहीं बन रही हैं। ये सारी चीज़ें निशानियां हैं कि जैसे कोई मूवी का एंड होता है तो मूवी के एंड में चारों तरफ झगड़ा हो रहा है और हीरो और विलन के बीच में लड़ाई हो रही है। ये वही समय चल रहा है जो कि दिख रहा है इंसान को, चाहे वो इसको स्वीकार करे या ना करे। लेकिन अब वो समय आ गया है, परमात्मा कहते हैं कि अब समय वेस्ट करने का नहीं है। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, ये सब कुछ परमात्मा के प्रति लगाने का समय बहुत पहले था, अभी भी है, और टू लेट ऑलमोस्ट हो ही गया है, लेकिन अब भी हम इस कार्य में बने रहे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, और सारा वरदान आज इसके बारे में है। परमात्मा कहते हैं, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। परमात्मा एक कर्तव्य करते हैं जिसके बारे में साइंस में भी कहा गया है कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो परमात्मा भी कलयुग को सतयुग में ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे? दो एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करके। एक तो है कॉन्शियसनेस, मतलब कि चेतना हमारी, हमारे भावों को परिवर्तन करके, जो हमारे काम क्रोध लोभ अहंकार के भाव हैं उनको शीतल करके, हमारे अंदर दिव्यता भर करके, एक ये कॉन्शियसनेस को चेंज करते हैं योग के द्वारा। और दूसरा है पांच तत्वों के तांडव के द्वारा, पांच तत्वों को भी चेंज कर देते हैं, जिस कारण से स्वर्ग इस धरती पर बन जाता है। इसको कहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई, दूषित से साफ, मन भी बुद्धि भी संस्कार भी, और साथ साथ पांच तत्व। तो परमात्मा कहते हैं कि 63 जन्म, मतलब कि द्वापर से लेके कलयुग के अंत तक, जब तक हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला, जन्म तो व्यर्थ गवाया, क्या करके काम क्रोध लोभ अहंकार में जाकर के सब कुछ गवा दिया हमने। अभी समर्थ बनने का यह एक जन्म है, संगम युग ही जो कि एक एक घड़ी जारी है ज्ञान मिलने के बाद में, यही जन्म है हमारा कि हम व्यर्थ न गवाएं। इसे व्यर्थ नहीं गवाना कि दुनिया में चीजों में इतना फंस जाओ कि परमात्मा को भूल जाओ, और यही भूल जाओ कि परमात्मा का प्लान कुछ और है, और दुनिया के जो झिलमिल जो चमक है वो झूठी चमक है, कुछ समय के लिए सिर्फ, वो आकर्षण कुछ समय के लिए है। क्योंकि संगम ही यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है, यह कमाई की सीजन का युग है। इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। तो जैसे कि कुछ जगहों पे होता है कि सीजन का टाइम होता है, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पे कमाई होती है, उसी तरीके से परमात्मा कह रहे हैं कि सारे जो कल्प है 5000 वर्ष का जो चक्र है उसमें से ये 100 वर्ष, और 100 वर्ष में भी हमें 100 वर्ष तो पूरे ज्ञान नहीं मिला हमें, तो 100 वर्ष में भी थोड़ा समय जो हमें ज्ञान मिला हुआ है, और थोड़े समय में हमने जो ज्ञान लिया है बाकी के समय में, उसमें भी अगर हम समय व्यर्थ करेंगे गवाएंगे तो फिर ये कहाँ जाएगा। क्योंकि हमें अभी चाबी भरनी है ना, तो जितनी हम आत्माएं चाबी भरेंगे उस रामा से, परमपिता परमात्मा से, उतनी ही चाबी के अनुसार हम फिर से सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग में हम फिर से उसी चाबी के अनुसार चल पाएंगे, उतना ही प्रेम सुख शांति आनंद खुशी शक्ति और ज्ञान को हम यूज कर पाएंगे सारे कल्प में और आत्मा के साथ में अपना खेल खेलते समय। अगर अभी चाबी कम भरी, प्रेम सुख शांति कम भरा, तो इसका मतलब कल्प में सत्ययुग त्रेता में तो ठीक रहेगा, लेकिन द्वापर और कलयुग में वो बैटरी जल्दी, हमारी जो चाबी है वो जल्दी ही रुक जाएगी। आपने देखा होगा बूढ़े गुड़ियों की, जब हम चाबी भरते थे तो लास्ट में टक 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 करता था, लास्ट में टक 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 तो चाबी ढीली। तो अभी समय हमारा परमात्मा से योग लगाने का और चाबी ज्यादा भरने का, मतलब कि ज्ञान गुण शक्तियां ये सब कुछ भरने का, यही समय है। नॉलेजफुल बन, जो जितना समय समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे, जो खुद अपने आप को समर्थ बनाएगा, केपेबल बनाएगा ये ज्ञान गुण में आगे बढ़ने का, वही और को वैसे ही बनाएगा, राइट। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। समय के महत्व को चाहे दुनियावी तरीके से देखा जाए, पढ़ाई में होता है, दुनियावी पढ़ाई में होता है, दुनियावी प्रमोशंस में होता है, बिजनेस में होता है, समय के महत्व को जानते हैं, तो अध्यात्म में भी जो कि पूरा विस्तार है, पूरे चक्र का जो अभी परिवर्तन का समय है, उसके महत्व को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब वो समय चला गया कि आगे पुश्तों के बारे में सोचे कि हमारी पुश्तें क्या करेंगी, वो समय चला गया कि हम
आगे क्या करें, कितना कमाएं कितना ना कमाएं, वो समय चला गया है। परमात्मा कहते हैं जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मुख्य चीज़ है डिटैच होकर के सारे कर्म करो और परमात्मा से कनेक्ट होकर, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये ज्ञान हमें परमपिता परमात्मा ब्रह्म कुमारी इसमें देते हैं, जो कि आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा का धरती पर अवतरण हो चुका है, 86 वर्ष हो चुके हैं, इंसानों को आस्ते आस्ते ये ज्ञान मिलता जा रहा है, चारों तरफ फैलता जा रहा है और जागृति आती जा रही है बहुत जल्दी। ओम शांति इसके साथ।